इस वजह से ना मेरे को YouTube छोड़ना पड़ रहा है भाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इब्रार व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज थोड़ी सी इमरजेंसी पड़ गई, अपने सारे भाई लोग दिल्ली में रह रहे हैं और मेरे को निकलना पड़ रहा है जम्मू के लिए वापस। जम्मू नहीं, एक्चुअली मेरे को भद्रवाह जाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा घर पे जो मेरी ग्रैंड मदर है, गाइस इशू हो चुका है। और इब्रार आ रहा है, 1:30 की फ्लाइट है भाई की, और हम नहीं यहाँ पर है बिकॉज हमारी ना गाड़ी फंस चुकी है यहाँ पे। अदरवाइज ना मैं सोच रहा था कि मैं भी भाई के साथ जाऊँ, बट सीन हो जाएगा पीछे से, ये सारी पूरी टीम जो है अकेली पड़ जाएगी यहाँ पे। तो फाइनली हम इब्रार ब्लॉग जो है हम इसको यहाँ छोड़ने आए थे। यहाँ से भाई मेट्रो में चले जाएगा और विद इन 1 आवर ये जम्मू में होगा। वहाँ से ये बैटमैन पिक करके अपने घर जाने वाला है डोडा। और आई प्रॉमिस कि शायद जब हम यहाँ से जाएंगे तो अगर हम जल्दी गए तो भाई के पास डोडा भी जाएंगे। यहाँ से अब सीधा एयरपोर्ट में मिलता हूँ आपसे मैं। एयरपोर्ट तो दिल्ली से सीधा आके मैं अब शूट कर रहा हूँ जम्मू एयरपोर्ट के बाहर, और आपको लेने आया सादिक भाई। देख रहे हो, ये रहे सादिक भाई। तो अभी एक्चुअल में मैं हेलमेट भी नहीं लाया मैंने अपने वाला। एक्चुअल में ना काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी यार, आप समझ सकते हो कि बहुत जल्दी आती। अभी एक्चुअल में मैंने यहाँ 15-20 मिनट रुकना है जम्मू में, और उसके बाद सीधा मैंने निकल जाना है भद्रवाह के लिए। तो अभी मैं सीधा घर पर पहुँचता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है। अभी हम हैं एक्चुअल में अपने कॉलेज के बाहर। आपको पता है, आपको पता है मेरे और सादिक भाई का एक ही कॉलेज था। तो एक ही कॉलेज था बट अब नहीं है। हाँ भाई, पास आउट कर लिया मैंने भी और इन्होंने भी। और सच बताऊँ मैंने 1.5 साल पढ़ा और 1.5 साल नहीं पढ़ा, क्योंकि आपको पता 1.5 साल हमारा कोरोना ने खा लिया। तो वैसे ठीक हो गया। अभी हम रुके हैं यहाँ पे कुलचा खाने के लिए। एक्चुअल में भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और मैंने अभी भद्रवाह निकलना है, और जिनके साथ निकलना है ना उनको 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो हमने सोचा चलो यहाँ पे वेट कर लेते हैं और कुछ खा भी लेते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। बहुत टेंशन चल रही है यार, समझ सकते हो। सो अभी हम मेरे को निकलना है डायरेक्ट भद्रवाह के लिए, और अभी मैं जा रहा हूँ आदिल भाई के साथ। तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा हमको भद्रवाह पहुँचने में ना। मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है यार, सिचुएशन कुछ ख़राब चल रही है। तो होप करते हैं यार टचवुड की दादी ठीक रहे हमारी और कुछ ज़्यादा कुछ हो ना। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से हम। एक्चुअली अभी थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे, मे बी यहाँ पे 15 या 20 मिनट। तो यार आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी रहने वाली है। मैंने एक्चुअल में शूट कहीं लेने का मन भी नहीं किया। मैंने फ़्लाइट में आपको पता कि शूट ले सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिया। ना मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे लिया, ना यहाँ पे लिया। मैं सीधा आगे जब शादी को ही मिले तब मैंने थोड़ा बहुत शूट ले लिया। तो बाकी भाई आप देखो यार, आप बस दुआएँ करो यार कि दादी हमारी ठीक रहे और हम आराम से घर पहुँच जाएँ। कल लगभग हमको 2 घंटे हो चुके हैं जम्मू से निकले, और सच में बताऊँ ना बहुत कम एरिया हमने कवर किया, क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा है। इसलिए आया था कि मुझे टाइम बचाना था, इसीलिए फ्लाइट से आया था, वरना मैं बस से भी आ सकता था। जिस वजह से मतलब दिल्ली से मेरे को सीधा भद्रवाह जाना पड़ रहा, और मैंने वीडियो शूट नहीं करनी थी। मैंने इसलिए शूट की क्योंकि यार अगले कुछ दिनों तक, मतलब मे बी 5, 6 या 7 दिन तक मेरे चैनल पर वीडियो नहीं आएगी। मतलब 6-7 दिन के लिए यूट्यूब मेरे को छोड़ना पड़ेगा, समझ जाना यार। अब थोड़ा बहुत होप करते हैं कि दादी हमारी ठीक रहे, जाके प्रे करो जितना हो सकता है। तो अभी होप करता हूँ कि आप सिचुएशन समझोगे। तो मिलता हूँ आपसे जब सिचुएशन ठीक होगी। तो बाय बाय बाय।